दोस्तों मिनी कामिनी या तो टेबल कामिनी, कोई कोई मधु कामिनी भी इस प्लांट को कहता है। तो आज इस वीडियो के द्वारा हम दिखाए हैं कैसे इसके ब्रांच के थ्रू आप और सारे पौधे तैयार कर सकेंगे। तो देर ना करके चलिए देखते हैं कैसा ये प्रोसेस होता है। तो दोस्तों पहले चयन करें उस ब्रांच को जिसे आप कटिंग करके लगाने वाले हैं। मैंने ऊपरी हिस्से के जो ब्रांच है सब उसी से ले रहा हूँ, फिर जाके आगे काम बढ़ाएंगे। इसमें दो फायदे हैं हमारे इस प्लांट के, जो मदर प्लांट है वो धीरे धीरे बूशी होते रहेगा, झाड़दार होते रहेगा और हमें इससे फ़ायदा भी मिलते रहेगा। तो देख रहे हैं हमने कॉफ़ी मग में, जो कागज़ के मग है इसमें सिंडर यूज़ कर रहा हूँ मैं, मिट्टी बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे तो मिट्टी यूज़ कर सकते हैं या तो बालू में यानी कि सैंड में भी आप इसे लगा सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं हमने इसके निचले हिस्से के जितने लीव्स है मतलब पत्ती है सबको रिमूव कर रहा हूँ, फिर जाके उसे ऐसे ही लगा दिए हैं। कोई भी रूटिंग हार्मोन पाउडर, कोई भी दवा ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट हमने इसमें लगाए हैं। तो देख सकते हैं हम किस तरह इसे लगा रहे हैं। कोई भी छुपा हुआ साइंस इसमें मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो सॉइल मीडिया देख रहे हैं आप सिंडर, इसके साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी अच्छे होते हैं सिंडर प्लांट को जर्मिनेशन करने के लिए। अगर सीड्स आप जर्मिनेट करना चाहते हैं, अगर प्लांट इसमें लगाना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा ग्रो होता है, मैंने खुद देखे हैं। अगर आपके पास सिंडर उपलब्ध हो तो आप मिट्टी को छोड़ के सिंडर को अपना सकते हैं। आज 40 दिन हो चुका है, हम देखेंगे इसको निकाल के कैसा ग्रो हो रहा है इस प्लांट का। क्योंकि जब से हमने लगाए हैं ये प्लांट हरा भरा और तरोताज़ा बरकरार रखा है अपने आप को, नए नए पत्ते भी निकल रहा है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, देख सकते हैं रूट काफ़ी अच्छा निकला है। तो दोस्तों आप भी ऐसे करके अगर इस मेथड को अपनाएंगे तो आपके मिनी कामिनी भी ऐसे ढेर सारे प्लांट में तब्दील हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर कुछ समझ में ना आया तो डिसलाइक दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।